ये है इसका एंट्रेंस गेट होने वाला है। यहाँ पे जो झूले हैं उनकी जो टेस्टिंग वो चल रही है, अगर ये झूला ना हो तो मेला अधूरा है। यहाँ पे आपको ये छोटे से बच्चे के झूले वो देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो काफी अच्छा डेकोरेट कर रखा है, सीटिंग की जो फैसिलिटी कर रखी है। इस तरफ भी दिखाओ, यहाँ पे भी होने वाली क्या रामलीला। आपको यहाँ पे जो रावण है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की जो रौनक काफी खूबसूरत और काफी जबरदस्त हो जाएगी। ये वाला जो एरिया, ये फाउंटेन वाला एरिया अभी। अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ लाल किला और यहाँ पे तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। दोस्तों आप देख सकते हो ये है इसका एंट्रेंस गेट होने वाला है जो अभी तैयार हो रहा है। और बिल्कुल सामने देख सकते हो आपको झूला देखने को मिल जाएगा और ये है बिल्कुल लाल किला। और इसके बिल्कुल सामने दिखा सकते हो ये भी एक कमेटी है जहाँ पे रामलीला होने वाली है। और दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है। जब आप आओगे तो इस तरीके से आपको लाइन लगानी पड़ेगी और यहाँ पे आपकी जो चेकिंग है वो होने वाली है। तो दोस्तों ये जो मेला स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है 26 सितंबर से और चलने वाला है 6 अक्टूबर तक। और इसकी जो टाइमिंग की मैं बात करूँ तो ये शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा और रात के 11 बजे तक ये ओपन रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं इसकी एंट्री की बात करता हूँ तो इसकी जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला जो स्टेज है इस पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लव कुश रामलीला कमेटी। और यहाँ पे होने वाला है जो रामलीला है वो होने वाला है। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। पिछले साल ये जो मतलब फेस्टिवल था वो नहीं बनाया गया यहाँ पे। और आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो ये लाल किला कितना खूबसूरत दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है। और आप देख सकते हो कितने मतलब ज़्यादा यहाँ पे सीटिंग की जो फैसिलिटी कर रखी है। इस तरफ भी दिखाओ, काफ़ी लंबा इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। और आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो वो जो सेक्शन दिख रहा है वो है फूड वाला सेक्शन। और यहाँ पर आपको जो गैंट झूले हैं वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो देखने को मिल रहे हैं, उसके एक और इस तरफ एक और है, मतलब 3-4 जो गैंड झूले वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो झूलों की है वो कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। काफ़ी मज़ा दोस्तों आने वाला है और मैं आज चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे आपको और कौन कौन से झूले देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये छोटे से बच्चे के झूले वो देखने को मिल जाएंगे। और इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा सुपर ड्रैगन ट्रेन। और इस तरफ आप देख सकते हो ये छोटे बच्चों के लिए झूला आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बिल्कुल बैक साइड भी छोटे बच्चों के लिए झूला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो रौनक है काफ़ी अच्छी होने वाली है। कैसा लग रहा भाई, मजा आ रहा है? लग रहा भाई बहुत बढ़िया। क्या नाम है चैनल का? अरे वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये बताओ कितने दिनों के बाद आए हो इस मेले में? पिछले साल आए थे? पिछले साल लगा ही नहीं था। ये इसने बिल्कुल सही बोला है। और कल आओगे? फन करोगे? एंजॉय करोगे? फुल तो एक बार चिल्ला दो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक और आपको स्टेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी होने वाली क्या रामलीला। अभी इसकी जो तैयारी वो चल रही है जोरों शोरों से। आप दिखा सकते हो ये है लाइटिंग, आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो ये लाइटिंग है। और इस तरफ आप देख सकते हो जो म्यूजिक का पूरा है सेटअप वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे होने वाली है सीटिंग की व्यवस्था। और आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी चेयर जो यहाँ पे लगने वाली है। और आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा नज़ारा है। और ये है अपना VIP वाला सेक्शन, ये फूड सेक्शन है। और मतलब फूड सेक्शन के साथ साथ यहाँ पे आपको जो स्टॉल है वो भी देखने को मिलने वाला है। और आप यहाँ पे जो लोकेशन देख रहे हो बिल्कुल खाली खाली सा, ये जो रेड कलर में देख रहे हो बिल्कुल सामने देख रहे हो, यहाँ भी लगने वाला है क्या स्टॉल। यहाँ पे जो झूले हैं उनकी जो टेस्टिंग वो चल रही है। और आप देख सकते हो जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो कल के लिए ये जो झूला है अपना रेडी हो जाएगा। और आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हो वो है भूत बंगला, देख सकते हो। ओह माय गॉड, काफी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। देखने से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। 100 हाउस, अगर आपको भूतों से मिलने का शौक है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और मेरे बिल्कुल सामने दिखाओ वो है रिंग सेक्शन, जावेद भाई उपला रिंग मनोरंजन, रिंग वाला सेक्शन है। आप किसी भी आइटम्स में अपना जो रिंग है वो फेंक सकते हो, वो आपका आइटम होने वाला है। और गैंट झूला आप बिल्कुल नज़दीक से दिखा सकते हो, ये देखो मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा सकता हूँ, ये है गैंट झूला। अगर ये झूला ना हो तो मेला अधूरा है। इसके बिना मेले की मतलब क्या बताऊँ, वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं आपके साथ आगे की तरफ। आगे हम देखने वाले हैं कि आगे और कौन कौन से झूले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मेला काफ़ी बड़ा होने वाला है और मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप मेरे बिल्कुल बैक साइड देख सकते हो, बिल्कुल सामने देखो आपको यहाँ पे जो रावण है वो देखने को मिल जाएंगे। सारे रावण प्रिपेयर होंगे और यहीं पर इसी ग्राउंड में इस रावण को जलाया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक और झूला देखने को मिलेगा, ये है ब्रेक डांस, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा है अब तक का। और इसके बिल्कुल साथ सामने घुमाओ, ये है कोलंबस, यह है कोलंबस झूला। और मेरे को एक और भाई मिल चुके हैं, इनके चैनल का नाम है क्या है, आपके चैनल का नाम बताओ? रोशन करण ब्लॉग। इनके चैनल का नाम है रोशन करण ब्लॉग्स। जो आपके ब्लॉग्स है वो किससे रिलेटेड है?
ये मतलब सबको जगह दिखाना बाजारों में। अच्छा मतलब मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट से। और जो भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है आप उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हो। और ये जो मेला 3 साल के बाद ओपन हो रहा है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, 3 साल के बाद लगा है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से नहीं लग पा रहा था कोरोना की वजह से। तो पिछले बार जो लगा था खाली मेला मेला लग रहा था, झूला वाला कुछ नहीं लगा था, तो इस साल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो शाम के टाइम यहाँ का जो नजारा कितना खूबसूरत और कितना प्यारा हो जाता है। और कल आपको यहाँ पे जो रौनक है, अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ की जो रौनक है काफी खूबसूरत और काफी जबरदस्त हो जाएगी। जब ये लाइटिंग हो जाती है तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस दृश्य ने मेरे दिल को क्या कर लिया है, मोह लिया है। जब यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस होगा तो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लगने वाला दोस्तों कल के टाइम। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कल आप यहाँ पे आए और यहाँ का जो दृश्य है उसका आनंद उठाएं। तो आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया, ये फाउंटेन वाला एरिया, अभी फिलहाल इस पे जो रिपेयरिंग का काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हो जगह जगह इन्होंने यहाँ पे रिपेयर किया है। जब ये रिपेयर का काम कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको जब कल आओगे तो ये जो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा दिखने वाला है। और जब शाम के टाइम इस पे लाइटिंग भी होने वाली है, लाइटिंग की जो व्यवस्था वो भी ये कर रहे हैं। और आप देख सकते हो आज का जो मौसम है काफ़ी खूबसूरत हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। अभी जो रिपेयर का काम है, मेंटेनेंस का काम है झूलों में, वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। और आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झूले देखने को मिलेंगे, मीन्स एक ही झूले कई बार आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, चाहे वो गैंड व्हील हो, चाहे वो कोलंबस हो, चाहे वो ब्रेक डांस हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे लग्जरी होटल भी देखने को मिलने वाला है जो काफ़ी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जाने से पहले क्या करना है, ढेर सारा प्यार बरसा के जाना है। ओके बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।